हेलो नमस्कार, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी हो रहा था ओटीपी के थ्रू, जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जिसके माध्यम से आप पहले करते थे, वो ऑप्शन खुल गया है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ई केवाईसी न्यू ये वाला ऑप्शन खुल गया आज के डेट में 24-23 अप्रैल को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन खुल गया। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी के थ्रू पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी कर सकते हैं। इसका मैसेज आप यहां पे देख सकते हैं, ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। आप यहां पे देख सकते हैं बता दिया गया है कि अवेलेबल है पीएम किसान पोर्टल पे ओटीपी के थ्रू। तो आप बिल्कुल इस वाले पोर्टल पे आके अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होता है किसान का, उस पर ओटीपी आएगा। चलिए हम करके बता देते हैं आपको कि कैसे होता है ई केवाईसी। तो सबसे पहले हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं pmkisan.gov.in, इस वाले लिंक पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे। इस पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ई केवाईसी इसी और ऑप्शन दिख रहा है। आप मोबाइल में भी ये ऑप्शन पा सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज खुलता है जिसमें आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोलता है। इसमें हम अपना आधार नंबर डाल देंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करते ही हमारे सामने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग रहा है। इस पर एक ओटीपी जाएगा, तो हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, पीएम किसान मोबाइल ओटीपी, यहाँ पर डाल के सबमिट फॉर आज पे क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर आज पे क्लिक करते ही हमारे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। ओटीपी को हम यहाँ पे डाल के सबमिट फॉर आज करेंगे तो हमारा ई केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पे एक मैसेज शो कर देता है कि ई केवाईसी इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आप इस तरह से अपना ई केवाईसी घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल। तो कैसा लगा वीडियो? इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मालूम होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।